क्यों अरविंद अकेला कल्लू को खेसारी लाल यादव के साथ फिल्म करने से परहेज है। जी हाँ, हाल ही में खेसारी लाल यादव को लेकर अरविंद अकेला कल्लू ने कई बड़े खुलासे किए। अरविंद अकेला कल्लू ने कहा कि खेसारी लाल यादव उन्हें बाबा कहते हैं क्योंकि अरविंद अकेला कल्लू ब्राह्मण है। यहाँ पर अरविंद अकेला कल्लू ने ये बताया कि लोग उन्हें यादव समझते हैं, लेकिन हालांकि वो यादव नहीं है, वो ब्राह्मण है। इस कारण खेसारी लाल यादव उन्हें बाबा कहते हैं। वैसे आपको बता दें, बाबा यूपी बिहार में ब्राह्मणों को ही कहा जाता है। और खेसारी लाल यादव जब बिग बॉस के घर में थे तो सिद्धार्थ शुक्ला को बाबा कहकर ही बुलाते थे और पवन सिंह को वो ठाकुर साहब कहते हैं। जी हाँ, कईयों को ये पता नहीं होगा, भैया तो वो ऑन स्क्रीन कहते ही हैं, लेकिन पवन सिंह को वो ठाकुर साहब भी कहते हैं क्योंकि पवन सिंह क्षत्रिय हैं इसके वजह से। खैर, यहाँ अरविंद अकेला कल्लू ने इस बात का भी खुलासा किया कि क्यों वह खेसारी लाल यादव के साथ फिल्मों में काम नहीं करते। तो आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव को लेकर अरविंद अकेला कल्लू ने ये कहा है कि अभी तक किसी भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उन्हें और खेसारी को लेकर कोई भी स्क्रिप्ट ऐसी सामने नहीं लाई जिसमें काम किया जाए, और फिर जैसे ही हमें मौका मिलेगा मैं खेसारी के साथ खुद काम करना चाहूँगा क्योंकि खेसारी मेरे बड़े भैया समान है और उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। खेसारी भैया उन लोगों में से हैं जिन्होंने मेरी हर कामयाबी पर मुझे अप्रिशिएट किया है और मुझे ये कहा है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो। उनके साथ मैंने कई स्टेज शो किए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। अब अगर फिल्मों की बात है तो मैं आपको बता दूं कि हमें अभी तक किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इस तरह का कोई रोल ही ऑफर नहीं किया हम दोनों को कि हम करें। अदरवाइज़ मैंने पवन सिंह के साथ, मनोज तिवारी के साथ, सभी के साथ फिल्में की हैं, और अब जैसे ही मुझे खेसारी लाल यादव के साथ कभी भी मौका मिला काम करने का तो वो मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।